देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। अब देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए y इन टर्म्स ऑफ x लिखा होना चाहिए। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा ही नहीं है, तो सबसे पहले y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे, इसको लिखें 2 रेस टू द पावर y बराबर 2 माइनस 2 रेस टू द पावर x। अब देखो यहां से y इक्वल टू log बेस 2 और 2 माइनस 2 रेस टू द पावर x ऐसे लिखा जाए, क्योंकि मैंने बताया था आपको a की पावर x बराबर b, तो x बराबर क्या होता है बोलो, log b बेस a, ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान दो, है ना। देखो वही यहां पर किया, 2 की पावर y बराबर 2 माइनस 2 की पावर x, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, log बेस 2 2 माइनस 2 की पावर x, ध्यान दो यहां पर, ठीक। अब देखो log के आगे जो टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, बोलो, क्योंकि अब देखो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, जब y इन टर्म्स ऑफ x आ गया तो log के आगे टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन 2 रेस टू द पावर x, 2 की पावर 1। अब देखो ये 2 a की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x, या कह दीजिए x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी टू 1, यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर है, है ना, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है माइनस इंफिनिटी टू 1, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना वाइंट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए हैं जो आईआईटी के पूछे गए क्वेश्चन है, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, ठीक। तो पहले 2 रेस टू द पावर y लिखा, फिर y की वैल्यू निकाली, log फंक्शन आ गया, log फंक्शन में जो भी x होता है वो पॉजिटिव होता है, 2 2 कैंसिल हुआ, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं है, क्योंकि देखो a की पावर x में a 1 से बड़ा है, जब a 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वेशन बदलती नहीं है, ध्यान दो। तो यहां से देखो हमें x लेस देन 1 मिल गया, लिखो सब बच्चे ध्यान से,